नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां पर एक नाबालिग रेसलर ने अपने पिता पर बीते 2 साल से डरा धमका कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि पीड़ित के 7 अलग अलग स्थानों पर कई बार दुष्कर्म किया गया है। अब उसे ननिहाल जाने पर हत्या की धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने SSP को तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। वहीं SSP के निर्देश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जाँच शुरू कर दी है। बुलंदशहर के एक थाना क्षेत्र निवासी 17 वर्षीय किशोरी रेसलर ने SSP को शिकायती पत्र देकर बताया कि वह प्रदेश स्तर पर 5 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार पुरस्कार जीत चुकी है। पीड़िता के अनुसार उसके पिता करीब 2 वर्ष पूर्व एक्सीडेंट हो गया था। उस दौरान पिता ने उसके घर पर आने के दौरान जबरन दुष्कर्म किया, उसके विरोध करने पर रिवॉल्वर दिखाकर किसी को कुछ बताने पर हत्या की धमकी दी है। इसके बाद उसके पिता द्वारा अलग अलग स्थानों पर ले जाकर दुष्कर्म किया गया है। उस पर करवा चौथ व्रत रखने का दबाव बनाया जाता था। मां के विरोध करने पर उनके साथ भी मारपीट की गई है। इसके चलते पीड़िता अपने भाई, मां और बहन को लेकर ननिहाल चली गई। आरोप है कि अब आरोपी पिता द्वारा वहां पहुंचकर उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने SSP से रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। मामले में तहरीर के आधार पर शिकारपुर थाने में आरोपी पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।